जहां लोभ तह काल है, जहां खिमा तह आप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तो पहलू दूसरा हो जाएगा। जहां खिमा तह आप, जहां पर कोई किसी को माफ कर दे वहां पर वो खुद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब अपने कई मुरीदों के साथ बैठे, हमेशा समझाते रहते हैं जीवन को जीना कैसे। आज उन्होंने कहा कि भाई बहुत समय से समझा रहा हूं, आज एक एक करके उठ के आओ और आज प्रण करके जाओ, मुझे अकेले में बता के जाओ कि आज से मैंने ये बुरा काम छोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि हमेशा सुनते रहते हो, आज मुझे बता के जाओ कि आज से मैंने ये बुरा काम छोड़ा। जो जो भी हर किसी में अवगुण है, हर एक उठ के आया मोहम्मद साहब के काम में कह के चला जा रहा है। एक आदमी बैठा है, सब चले गए, वो बैठा है। मोहम्मद साहब कहने लगे, क्यों भाई तू कोई गुनाह नहीं करता? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कौन सा गुनाह छोड़ेगा? कहने लगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कौन सा छोड़ू, क्योंकि मैं तो गुनाहों से भरा पड़ा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब कहने लगे, आ बता मुझे, तू बता मुझे, मैं तुझे बताऊंगा कौन सा छोड़ना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वो कहता है, शाम होते मैं शराब पीता हूँ, शराब पीने के बाद मैं कोठे पे जाता हूँ, रात को वहां से चोरी करने निकलता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चोरी करके घर में आ जाता हूँ, घर वाली पूछती है कहाँ गए थे, मैं कहता हूँ काम पे गया था, मेरा रात का काम है, बताता नहीं कि मैं शराबी हूँ, कोठे पे जाता हूँ शराब पीता हूँ, कुछ नहीं बताता, झूठ भी बोलता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब से कहने लगा, आप बताओ मैं इन चारों में से क्या छोड़ू? मोहम्मद साहब कहने लगे, बाकी सब कर, शराब भी पी, चोरी भी कर, कोठे पे भी जा, पर झूठ मत बोल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बड़ा खुश हो गया, ये तो सबसे आसान है, बाकी सारे काम तो बड़े मुश्किल है, झूठ बोलना ही तो सबसे आसान है, इसको तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं बोलूंगा झूठ। मोहम्मद साहब कहने लगे, ठीक है वादा कर ले, मर जाना पर झूठ मत बोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा, ठीक है। शाम हुई, शराब पी, कोठे पे गया, चोरी करने जाने लगा तो रुक गया कि आज मैं बाहर चोरी करने गया, रोज सिपाही पूछते हैं, कोई ना कोई पकड़ लेता है, रात को क्या कर रहे हो? झूठ बोल देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब क्या कहूंगा? तो वहां से घर चला गया, घर में भी पूछती, आज जल्दी आ गए, क्या बात है? तो भी चुप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कुछ बोल नहीं रहा, झूठ बोलना नहीं है। दूसरा दिन हुआ, शराब पी, कोठे पे गया, फिर चोरी करने नहीं जा सका, फिर सोचा कि क्या कहां फंस गया मैं, घर में जाऊंगा बीवी पूछेगी कितने दिन चुप रहूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और लोग पूछते क्या काम करता है तब भी चुप रहता है, कितनी देर चुप रहूंगा? मन में विचार किया कि अगर झूठ नहीं बोलना ये सब छोड़ना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काफी समय बाद जब मोहम्मद साहब मिले मुस्कुराते हुए, कहने लगे, क्या हाल है, कौन झूठ तो नहीं बोलता? कहने लगा, झूठ छोड़ो, अब तो ना शराब पीता हूँ, ना कोठे पे जाता हूँ, ना चोरी करता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अगर झूठ ही नहीं बोल सकते तो ये सब छिपाऊंगा कैसे, इन पापों को? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही वाणी कह रही है, जिस चीज को हम बड़ा छोटा समझते हैं ना, गुरु नानक पाशाह ने तो इस झूठ से बड़े बड़ों को सीधा कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह के तो तरीका ही कुछ अलग था, कभी भी किसी को कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहते थे, पकड़ा देते थे। बाबा नानक सिंह जी का भी तो यही तरीका, कहते पियो शराब, खेलो जुआ, पर अमृत वेले उठ के नाम जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जो अमृत वेले उठ के नाम जपेगा, जहर की जगह कहां बचेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साफ होता जाएगा, ना शराब पीने का मन करेगा, क्योंकि अमृत भीतर चला गया, जिसको ये रस आ गया वो रस कहां से आएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।